और बात करते हैं गुजरात की, क्योंकि यहां पिछले कई घंटों से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिससे पुलिस को हैरान भी किया है और परेशान भी। असल में यहां एक वीडियो में एक शख्स एक महिला को बुरी तरह से मारता और पीटता दिखाई दे रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात के बाद दो दिन तक कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन पुलिस ने जब इस वायरल वीडियो को देखा तब जाकर इस मामले में FIR दर्ज हुई। स्पा मालिक की बेशर्म हरकत का वीडियो। स्पा मालिक ने सरेआम महिला को पीटा, महिला को थप्पड़ मारे बाल पकड़कर घसीटा, महिला बिजनेस पार्टनर के कपड़े तक फाड़ डाले। ये तस्वीरें अहमदाबाद से सामने आई और सोशल मीडिया पर छाई हुई। बेशर्मी और बेरहमी के साथ बदतमीजी की इन तस्वीरों ने गुजरात पुलिस को भी हैरान कर दिया। तस्वीर 25 सितंबर की है और अहमदाबाद के सिंधु भवन रोड के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की है। यहां देखा जा सकता है कि एक शख्स एक महिला के साथ किस बेरहमी से पेश आ रहा है। खुलासा हुआ कि सिंधु भवन रोड पर मौजूद गैलेक्सी स्पा के मालिक और उसकी महिला बिजनेस पार्टनर के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, जिसके बाद ये तस्वीरें सामने आई। पीड़ित महिला को एक दूसरा शख्स बचाने की कोशिश करता है, फिर भी स्पा मालिक महिला को बेरहमी से मारता पीटता और घसीटता दिखाई पड़ता है। खुलासा यह है कि जो शख्स महिला की बेशर्मी और बेरहमी से पिटाई कर रहा है उसका नाम मोहसिन है और जिस महिला के साथ वो बेरहमी से पेश आ रहा है वो उसकी बिजनेस पार्टनर है, जिसका ताल्लुक नॉर्थ ईस्ट से है। 25 सितंबर की सुबह की ये CCTV तस्वीरें तेजी से वायरल हो गई। असल में वारदात के अगले दो दिन तक इस मामले की कोई शिकायत पुलिस थाने में नहीं पहुंची, मगर तस्वीरों के वायरल होने के बाद ही इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। गैलेक्सी स्पा के मालिक मोहसिन दुकान बंद कर फरार हो चुका था। दो दिन तक पीड़ित महिला ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, लेकिन अब अहमदाबाद के बोड़कदेव पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है। इतना ही नहीं, जब पुलिस तक महिला नहीं पहुंची तो पुलिस खुद महिला तक पहुंच गई और फिर उसकी काउंसलिंग की गई। खुलासा यह है कि पीड़ित महिला का स्पा में काम करने वाली एक दूसरी महिला से झगड़ा हुआ था। इसके बाद मोहसिन और पीड़ित महिला के बीच कहासुनी बढ़ती गई और मोहसिन ने महिला को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। आज तक ब्यूरो।